प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम BA ऑनर्स पार्ट सेकेंड के अंतर्गत जैव भूगोल की कक्षा में हैबिटेट इकोलॉजी एंड हैबिटेट का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इकोलॉजी हैबिटेट एंड निके या निक के बारे में चर्चा करेंगे। पारिस्थितिकी एक एवं आवास समानार्थी शब्द नहीं है। पारिस्थितिकी का अर्थ व्यापक है जबकि आवास मात्र भौतिक पर्यावरण तक ही सीमित है। जीवों के आवास पर्यावास आवास्य या निवासी क्षेत्र के लिए ग्रीक भाषा में ओकियोस तथा अंग्रेजी में हैबिटेट शब्द का प्रयोग हुआ है। यहाँ पारिस्थितिकी के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ आवास या पर्यावास जीव मंडल की विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई के भौतिक पर्यावरण की दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भौतिक दशाएं विभिन्न जीव जंतुओं की प्रकृति तथा मौलिक विशेषताओं को निर्धारित करती है। चूंकि भूपृष्ठ पर सर्वत्र भौतिक दशाएं एक समान नहीं पाई जाती, अतः जैविक समुदायों में भी स्थानीय भिन्नता मिलती है। इस आधार पर पारिस्थितिक तंत्रों को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक जीव का आवास वह स्थान होता है जहां वह रहता है। उदाहरणार्थ बैक स्विमर या नॉटेन एक्टा का आवास छिछला वनस्पति आवतरित क्षेत्र या वेलांचली कटिबंध होता है जो झीलों और तालाबों में पाया जाता है। एक विलियम पौधे का आवास एक परिपक्व पतझड़ वन में नम्न व छायादार स्थान होता है। सामान्य प्रयोग की दृष्टि से आवास वह स्थान या स्थान का प्रकार होता है जहाँ जीव या जीव समुदाय निवास करता है, जैसे सागरीय दलदलों या शुष्क आवास। आवास को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। एक जीव के क्रियाकलाप की क्षेत्रीय सीमा आवास कहलाती है। जॉन रिपर के अनुसार वह स्थान जहाँ एक पादप या प्राणी सामान्यतः रहता है जिसकी विशिष्ट जैविक या भौतिक विशेषताएं होती हैं, उदाहरण झील वन आदि। सिमोंस के अनुसार यह वह उन समस्त प्रभावशाली दशाओं का योग होता है जो कि जीवों के निवास स्थलों पर पाई जाती हैं। न्यू बिगिन के अनुसार आवास शब्द उस स्थान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जहाँ एक संपूर्ण समुदाय रहता है। उदाहरणार्थ सैंडीज घास समुदाय का आवास वह स्थान है जहाँ बालू मुद्रा की कटकें पाई जाती हैं। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्ध मैदान के दक्षिणी भाग में प्रवाहित नदियों के उत्तरी पार्श्व पर मिलती हैं। इस प्रकार समुदाय के आवास में जैविक तथा अजैविक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी गर्त निकेत या निके एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। अंग्रेज पारिस्थितिकी विद चार्ल्स एल्टन ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक जीव का अपने समुदाय में कार्यात्मक स्तर व्यक्त करने के लिए किया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि निके का अर्थ आवास नहीं है, ये जीव की वह स्थिति या अवस्था है जो उसके अपने समुदाय में होती है। एक जीव का निके इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कहाँ रहता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वह क्या करता है। प्राकृतिक समुदाय में किसी जीव के स्तर को समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी क्रियाओं, विशेषतः पोषक पदार्थों, ऊर्जा के स्रोत, वृद्धि दर आदि को भी अध्ययन में शामिल करें। इसलिए कहा जाता है कि आवास वास्तव में जीव का पता है और नीके उसका पेशा है। नीके को परिभाषित करते हुए रिपर ने बताया कि जीव का वह समुदाय जिसमें वह रहता है उसके द्वारा निभाई गई उपयोगी भूमिका को निके कहा जाता है। सिमोंस के शब्दों में
एक जीव द्वारा विशिष्ट वातावरण में अपने संरचनात्मक कारिक व व्यवहारिक अनुकूलन से जीव समुदाय में जो स्तर या स्थिति अर्जित करता है उसे निके कहते हैं। इस प्रकार परस्पर संबंध होते हुए भी पारिस्थितिकी आवास एवं निके में स्पष्ट अंतर है। जल स्थल एवं वायुमंडल में अनेक प्रकार के पादप व प्राणी पाए जाते हैं। समस्त जीव परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ अपने चारों तरफ के पर्यावरण के साथ भी अन्योन्य क्रिया करते हैं, अर्थात जैविक वातावरण व भौतिक वातावरण में परस्पर संबंध होता है। हरे पादप मृदा व वायुमंडल से सरल पदार्थों को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। कुछ प्राणी इन पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि कुछ शाक बख्शी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। जीवों का एक वर्ग मृत पादपों व प्राणियों पर भी निर्भर करता है, जो पदार्थों को पुनः मृदा व वायुमंडल में मिला देते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव समुदाय और पर्यावरण के तत्व संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य किया जाता है, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में टांसले ने किया था। इसके लिए बायोजेनेसिस, बायोसिस्टम, होलोजेनेसिस, माइक्रोजम, इथोजेनेसिस आदि समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु इकोसिस्टम शब्द ही सर्वाधिक प्रचलन में आया। पारिस्थितिक तंत्र को अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। टांसले ने कहा है, वातावरण के सभी जैविक व अजैविक पदार्थों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। सिमोन्स के अनुसार एक स्थानिक कालिक इकाई जिसमें निवास करने वाले जीव पदार्थों तथा ऊर्जा के विनिमय द्वारा परस्पर एक एवं अजैविक पर्यावरण से अंतर्क्रिया करते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, भूगोल परिभाषा कोष के अनुसार भी काफ़ी परिभाषाएं हैं। इस प्रकार हम सारांश रूप में ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में विकसित वह व्यवस्था जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव अजैविक तत्वों से अन्योन्य क्रिया करके विकसित होते हैं पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। अर्थात इसके अंतर्गत जीवों में परस्पर एवं उसके पर्यावरण के मध्य घटित समस्त अंतर्क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का संचालन सौर ऊर्जा द्वारा होता है, अतः पारिस्थितिक तंत्र को जीव पदार्थ एवं ऊर्जा की चक्रीय व्यवस्था भी कहा जाता है। अब हम ये देख चुके हैं कि इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र आवास और निके में फर्क होता है, दोनों तीनों में काफ़ी भिन्नता मिलती है। अगली जो कक्षा हमारी होगी उस कक्षा में हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।